हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की इस वीडियो में, जिसमें हम यूरोप के जो लैंडलॉक जो कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोप कंटिनेंट के जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, उनको जो है हम इसमें बाय मैप देखेंगे और ये समझेंगे कि कितने जो हैं लैंडलॉक देश हैं यूरोप में। तो 14 लैंडलॉक जो हैं देश हैं। पहला है अंडोरा, ठीक है, ऑस्ट्रिया है, बेलारूस है, चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, लेक्टेनस्टीन है, लग्जमबर्ग है, मैसिडोनिया है, मालदोवा है, सैन मरीनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी है। तो ये 14 लैंडलॉक देश हैं यहाँ पर। तो अब हम जो है जो यूरोप के जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं या स्थलबद्ध जो देश हैं उनको हम मैप पर देखते हैं। तो पहला है हमारा जो लैंडलॉक कंट्री है वो है अंडोरा, और वो कहाँ पर है, फ्रांस में है। देखिए ये मैप में दिख नहीं रहा, दरअसल बहुत छोटा सा वो लैंडलॉक कंट्री है, इस वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एग्जैक्टली आपको ये लोकेशन बता रहा हूँ। तो ये कहाँ पर है, फ्रांस में है अंडोरा। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया भी एक लैंडलॉक कंट्री है। ये जो है ये जितने भी इधर सी वगैरह हैं उनसे बॉर्डर नहीं शेयर करता है। बेलारूस, जो एक टाइम जो है यूनाइटेड जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन स्टेट था, यानी कि यूएसएसआर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्स यूएसएसआर, जो 1989 में जो है डिक्लाइन कर गया, ये कोलैप्स हो गया, उसका जो है ये मेंबर था, 17 देशों के ग्रुप में ये भी सदस्य था। तो बेलारूस भी एक लैंडलॉक कंट्री है। चेक रिपब्लिक, ठीक है, चेक रिपब्लिक जो है ये भी, ये क्रोशिया के पास जो है ये स्थित है, बाल्कन स्टेट में से एक माना जाता है। चेक रिपब्लिक भी जो क्या है वो एक तरीके का लैंडलॉक कंट्री है। हंगरी भी देखिए लैंडलॉक कंट्री है। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, क्रोशिया, रोमानिया, सर्बिया, इनसे बॉर्डर शेयर करता है और ये सी या ओशियन से बॉर्डर नहीं शेयर करता है। लेकिनस्टीन जो है वो क्या है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में स्थित है, ठीक है, यहाँ पर लेकिनस्टाइन जो है ये कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में। लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग जो है इधर ही यहाँ पर है, ये एकदम छोटा सा जर्मनी और बेल्जियम के पास ही है। और मैसिडोनिया है, ये ग्रीस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्रीस, तो यहीं पर एक छोटा सा देश है, लैंडलॉक कंट्री है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया को आप इस नाम से भी याद रख सकते हैं कि सिकंदर जो महान जो वर्ल्ड कंकरर सम्राट था वो मैसिडोनिया से ही संबंध रखता था। मालडोवा जो देश है, मालडोवा भी एक लैंडलॉक कंट्री है यूरोपियन। फिर सैन मोरिनो जो कि इटली के अंदर कंट्री इनटू कंट्री वाला है, और दुनिया का जो टॉप मोस्ट जो छोटे देश हैं, सबसे छोटे या माइक्रो स्टेट भी जिन्हें बोला जा सकता है, उसमें से सैन मोरिनो एक है। ये इटली के अंदर एक जो है लैंडलॉक कंट्री का दर्जा रखता है। सर्बिया जो है, ये आप सर्बिया देख रहे हैं, रोमानिया, हंगरी और ये जो बाल्कन कंट्री है उनसे बॉर्डर शेयर करता है, ये किसी सी वगैरह से जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता है। स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया जो है जो चेक रिपब्लिक है उसी से जो है अलग होकर एक नया देश बना है, स्लोवाकिया भी जो है बॉर्डर नहीं शेयर करता है सी से। स्विट्जरलैंड यहाँ पर है, ठीक है, स्विट्जरलैंड भी किसी देश से वो किसी भी सी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। और फाइनली हमारी जो लास्ट कंट्री है वो है वेटिकन सिटी, जो इटली की कैपिटल है रोम। रोम के अंदर ही जो है वेटिकन सिटी एक कंट्री इनटू कंट्री वाला भी देश है वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी भी एक लैंडलॉक कंट्री है। इसको जो है यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप का जो है इसे इनविटेशन है, लेकिन अभी तक इसने जो है एक्सेप्ट नहीं किया है।